तो आज हम जा रहे हैं जी सियालकोट, लोगो तो लगा हुआ है इम्तियाज सुपरमार्केट। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं जी सियालकोट। तो अभी मेरे फ्रेंड कुछ आने वाले हैं, उनके साथ हम बाइक पे जाएंगे आज, तो आपको पूरे सियालकोट का व्यू कराएंगे। आज की वीडियो के हमारे साथ ही रहे, मिलेंगे आगे जाके। व्यूअर्स, अभी हमारे फ्रेंड का ही वेट हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं तो हम निकल चलेंगे सियालकोट के लिए। सो व्यूअर्स, हमारा फ्रेंड आ चुका है, तो हम बैठते हैं बाइक पे और निकल पड़े फिर सियालकोट के टूर के लिए। और रास्ते में एक और फ्रेंड है, उसको भी लेना है, तो अभी हम वहाँ पे रास्ते में रुकेंगे और अपने दूसरे फ्रेंड को भी लेंगे और फिर तीनों निकल पड़ेंगे सियालकोट के लिए। तो व्यूअर्स, हम निकल पड़े हैं अपने दूसरे फ्रेंड को पिक करने के लिए। तो व्यूअर्स, जल्द ही हम दूसरे फ्रेंड तक भी अपने पहुंच गए, जिनका नाम है जी सुलमान भाई, जो हमें बाइक पे लेने आए थे। उनका नाम है जी यासिन भाई, और यासिन भाई और सुलमान भाई के साथ हम दोबारा अपने सफ़र को जारी करते हैं सियालकोट के लिए। तो हम रास्ते में बहुत हमने मज़ा किया, बातें शातें की। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम गए इम्तियाज सुपर मार्केट में। तो इम्तियाज सुपर मार्केट में जब हम गए तो वहाँ हमें मना कर दिया गया कि यहाँ पे वीडियो बनाना जो है वो मना है, लेकिन हमने कुछ क्लिप जो है वो बना लिए थे, उसका व्यू भी आपको हम साथ साथ करा रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो परफ्यूम वगैरह और दुनिया की हर अशिया जो है वो इम्तियाज सुपर मार्केट में आपको मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर विज़िट किया, थोड़ा जो है वहाँ पे घूमे फिरे और फिर से हम इम्तियाज सुपर मार्केट से बाहर आए और हमने आपको बाहर का व्यू दिखा दिया इम्तियाज सुपर मार्केट का। जैसा कि यहाँ पे सामने ऊपर लोगो लगा हुआ है इम्तियाज सुपर मार्केट का। तो हमने दोबारा से अपने सफ़र को जारी किया और निकल पड़े सियालकोट के विज़िट के लिए। उसके बाद हम व्यूवर्स गए शाही किला सियालकोट पर। तो व्यूवर्स, अभी हम आए हैं सियालकोट किला में। तो अभी हम ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा रोड है सियालकोट किला का, आपको इसका व्यू भी चेक कराते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो किला आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने का है। ये सारी जो ईंटें वगैरह ये पे जो दीवारों पे लगी हैं, ये सारी पुराने ज़माने की ही बनी गई हैं। यहाँ पे ऊपर दरबार वगैरह भी हैं और ये आप समझ लें कि काफ़ी साल पहले के बादशाहों के दौर का जो है ये किला बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो एरिया है, यहाँ पर बच्चे मैच वगैरह खेलते हैं और यहाँ पर पुराने ज़माने की आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे टैंक वगैरह ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आर्मी टैंक भी जो हैं वो उस दौर के जो जंग में यूज़ हुए होंगे या किसी काम में, तो वो यहाँ पे जो हैं वो भी हैं, तो वो भी आपको हमने दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हम गए हैं यहाँ पे किले की बैक साइड में, यहाँ पे दरबार वगैरह है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। आगे जो है वो दरबार है, ये जो है किले की बैक साइड है जहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं यहाँ से उतरने के लिए नीचे जाने के लिए। तो ये नीचे बाज़ार शुरू हो जाता है, तो ये ऊपर जो है ये सारा जो है किला है। तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस शाही किले से, आपसे मिलते हैं फिर आगे जाते हैं। ये है जी रेलवे की पटरी। सो व्यूअर्स, अभी हम यहाँ पे जो है वो रो पी गए हैं, जो है यहाँ पे सर्दियों की ये सौगात समझी जाती है, गन्ने का जूस जिसे कहते हैं शुगर कैन जूस, तो वो पीने आए हैं। तो ये जो है मेंट वगैरह और लेमन वगैरह डाल के बनाया जाता है, तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ा आया हमें ये पीने का। सो व्यूअर्स, उसके बाद हम फातिमा जनाब पार्क के, तो यहाँ पे हमने टिकट वगैरह यहाँ से भाई ने ख़रीदी और फिर हम फातिमा जनाब पार्क में एंटर हुए। और वहाँ एंटर होते ही जो है ऊपर एरोप्लेन वगैरह वहाँ पे आर्टिफिशियल जो है वो लगा होता है, तो फिर हम अंदर गए और पूरा हमने वो जो है व्यू पूरा कैप्चर किया। ये व्यूअर्स पार्क है फातिमा जनाब पार्क, जिसका हम व्यू आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के और यहाँ पर बड़े भी जो है झूलते हैं। व्यूअर्स, अभी हम आए हैं फातिमा जनाब ग्रीज़म पार्क में, तो आपको उसका एक व्यू आया मैंने यहाँ का सबका, तो मिलते हैं अभी आपसे आगे जाके।
भाई आज कोई आप शेर सुना दें। शेर है तो भाई, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना रिश्ता भी अपना नहीं लगता। वाह। बिक रहा था जब फोन मेरा गुर्बत के बाजार में, पीछे मुड़कर देखा तो खरीदार मेरे अपने। क्या बात। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर बारिश का मौसम जो है वो बन चुका है और बारिश किसी टाइम भी हो सकती है, तो हमें जल्दी से जल्दी पार्क से निकल के जाना चाहिए। अभी हम विज़िट करने आए हैं मॉल ऑफ सियालकोट कैंट एरिया में, तो यहाँ पे हम जो है वो सारा जो है लिफ्ट में घूमे फिरे और सारा यहाँ पे जो है विज़िट किया और आपको भी यहाँ का सारा जो है व्यू कराते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए हम जल्द ही यहाँ से निकल पड़े थे घर के लिए, खाना शाना भी खाना था इस वजह से। तो चलें यहाँ का आपको एक व्यू करा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। सो व्यूअर्स, उसके बाद हम पहुंचे आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने के लिए, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम जो है वो ऑर्डर की, मेरे फ्रेंड ने वनीला जो है वो फ़्लेवर ऑर्डर किया और मैंने चॉकलेट फ़्लेवर ऑर्डर किया, और यहाँ की आइसक्रीम भी जो है वो काफ़ी मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया हमें। सो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं सियालकोट क्लाक टावर के पास, तो ये जो है सबसे मशहूर एरिया है सियालकोट का, सियालकोट क्लाक टावर। सो व्यूअर्स, ये जो क्लाक टावर है ये सियालकोट की पहचान माना जाता है। इसके बाद हमने पूरी सिटी का आपको एक व्यू दिखाया, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको ये सियालकोट सिटी कैसी लगी, जिसका कि हमने पूरा सियालकोट सिटी का जो किला है और पार्क है और ये जो क्लाक टावर है ये सारी चीज़ें आपको दिखाई और कैंट एरिया भी जो आपको दिखाया, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके बाद हम व्यूअर्स गए खाना खाने के लिए। सो व्यूअर्स, फिर हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। ये बहुत ही मशहूर जगह है सियालकोट की, तो यहाँ का जो है चिकन ब्रोस्ट, चिकन दाबू भी जिसे कहते हैं, बहुत मशहूर है, तो हमने वही आगे किया और कुछ देर में वो आया और हमने वो जो है वो टेस्ट किया, बहुत ही मज़ा आया हमें यहाँ पे खाना खाने का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मज़ेदार है ये चिकन ब्रोस्ट, और साथ हमने जो है वो नान वगैरह, रोटी वगैरह और साथ बोतल और रायता वगैरह भी उन्होंने जो है हमें दिया था, और इनकी जो है वो सर्विस भी बहुत अच्छी है और यहाँ के जो वेटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ही हमें मज़ा आया सियालकोट के विज़िट का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
तो व्यूवर्स अभी हम सियाल को घूम फिर आए हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।